आज जो हम लोग देखेंगे कि टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे वह चीज देखेंगे। इसको हम लोग क्वाड्रेंट पे लेते हैं, या एक्स या वाई और या जीरो, ठीक है। यहाँ आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, यह ट्रायंगल आपका है ए बी और यह आपका सी। ए पर का क्वाड्रेंट आपका एक्स वन वाई वन है, बी पर का क्वाड्रेंट जो है आपका एक्स टू वाई टू है, एक्स टू वाई टू है, और सी पर का क्वाड्रेंट आपका एक्स थ्री वाई थ्री है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ठीक है। हम लोग को यहाँ गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में यही है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है एक्स वन वाई वन, बी इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका एक्स टू वाई टू, एंड सी इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स थ्री वाई थ्री। यही चीज हम लोग को क्या किया हुआ है, दिया हुआ आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही फाइंड करना है। थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे इसमें। कंस्ट्रक्शन वर्क क्या करते हैं कि हम लोग बी से बी डी, बी से बी डी जो है हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं ओ एक्स पे, ठीक है। ए से ए ई, ए ई फिर से हम लोग खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है। और यहाँ सी से सी एफ, सी एफ परपेंडिकुलर खींच लिए, ठीक है। तो ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, उसके बाद क्या खींचे हैं ए ई परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, यह हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में, इसका फाइंड करते हैं। अब एक चीज बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा। यहाँ पे यह एरिया है आपका ए बी सी का, यह एरिया, ठीक है। यह एरिया को हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है ट्रेपीजियम, यह एरिया प्लस यह होल एरिया ट्रेपीजियम का, और मैं माइनस कर दें यह इतना सा ट्रेपीजियम का एरिया, तो क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। यानी कि यह होल एरिया, यह होल एरिया प्लस यह होल एरिया माइनस यह होल एरिया बराबर यह एरिया ट्रायंगल का एरिया। यानी कि एरिया ऑफ, एरिया ऑफ कौन कौन, ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ किसका, तो ए ई एफ सी में माइनस कर दें एरिया ऑफ किसका, एरिया में माइनस करेंगे एरिया ऑफ कौन सा, तो बी डी एफ सी, बी डी एफ सी यह माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा, ट्रायंगल निकल जाएगा। अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब एरिया ए ए बी डी ई, या एक ट्रेपेजियम है पैरेलल साइड दिस और दिस पैरेलल साइड, और आपका हाइट आपका डी पी है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड दैट मीन्स बी डी प्लस आपका ए ई इंटू आपका डी ई, एक चीज। दूसरा यहाँ पे प्लस हाफ इंटू यह ट्रेपीजियम का एरिया, यानी कौन कौन सम ऑफ पैरेलल साइड ए ई प्लस आपका सी एफ इंटू आपका क्या हो जाएगा, इंटू आपका ई एफ, इंटू आपका ई एफ, यानी कि ए ई प्लस सी एफ इंटू आपका ई एफ, ई एफ यहाँ पे हाइट हो जाएगा। फिर माइनस होगा आपका हाफ इंटू या होल के लिए या बड़ा वाला, यानी कि बी डी प्लस आपका सी एफ, बी डी प्लस आपका सी एफ इंटू आपका डी एफ, यह चीज हम लोग का आ गया।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं यह एरिया है। अब यहाँ पे एरिया जो कैसे क्या क्या एरिया होगा यह चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मेंशन करते हैं। यह बी डी जो हो जाएगा यह एक्स टू होगा, यहाँ से यहाँ तक बी डी एक्स टू हो गया, ठीक है। और ए ई जो हो गया आपका कितना हो जाएगा, यह आपका सॉरी एक्स टू ना हो कि जाओ वाई वाई टू होगा क्योंकि यह वाई, और यह भी आपका वाई वन होगा, यहाँ से यहाँ तक वाई वन, और यहां से यहां तक यह क्या हो जाएगा y3 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए OD जो कितना होगा, OD आपका x2 हो जाएगा, और यहां से यहां तक यानी OE OE कितना हो जाएगा x1, ठीक है। और यहां आपका x3 होगा क्या O से लेके F, O F आपका क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है क्या, यहाँ पे सारा का वैल्यू अगर हम लोग पुट अप करते हैं, देखिए कैसे वैल्यू आता है। सबसे पहला तो हाफ तीनों में कॉमन है, हाफ हम लोग कॉमन ले लीजिए, हाफ कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे है बी डी, बी डी क्या है आपका वाई टू, यानी कि वाई टू प्लस ए ई, ए ई कहाँ पे है देखो, ए ई, ए ई या ए ई आपका वाई वन, ये आपका वाई वन, डी ई, डी ई को हम लोग लिख सकते हैं ओ ई माइनस ओ डी, यानी कि ओ डी ओ ई माइनस ओ डी, ठीक है। यह चीज लिख दिए प्लस आपका ए ई, ए ई कितना है वाई वन प्लस ए वाई वन, सी एफ आपका वाई थ्री, तो यह आपका वाई थ्री, फिर डी एफ या डी एफ को के बदले हम लोग लिख सकते हैं ओ एफ माइनस ओ डी, यानी ओ एफ माइनस ओ डी, यह चीज लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं यह हो जाने के बाद प्लस आपका यहाँ पे यह प्लस नहीं माइनस है, चलिए माइनस हम लोग डाल देते हैं, माइनस यह क्या है बी डी, बी डी क्या है वाई टू, यानी वाई टू, और सी एफ आपका वाई थ्री प्लस वाई थ्री इन टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है डी एफ या डी एफ, डी एफ के बदले हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक चीज गड़बड़ हो गया, क्यों क्या गड़बड़ हो गया, ई एफ निकालना था, ई एफ के लिए ओ एफ माइनस ओ ई, यानी ओ एफ माइनस ओ ई होगा, ठीक है। और यहाँ पे निकालना था क्या डी एफ, या डी एफ जो होगा ओ एफ माइनस ओ डी, यानी ओ एफ माइनस ओ डी, यह आपका यह हो गया, ठीक है। यह ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब यहां से सारे का वैल्यू यह पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं यहां पे देखिए, यह क्या है हाफ इंटू वाई वन प्लस वाई टू इंटू आपका ओ ई, ओ ई कितना है आपका यह एक्स वन है, यानी कि एक्स वन माइनस ओ डी आपका एक्स टू, यह एक्स टू हो गया, प्लस वाई वन प्लस वाई थ्री इंटू आपका ओ एफ, ओ एफ कितना दिया हुआ है एक्स थ्री दिया हुआ है, यानी x3 माइनस OE कितना है x1, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्लस ना होते या माइनस था, माइनस y2 प्लस y3 इंटू आपका क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए OF, OF आपका x3 है, x3 माइनस आपका यह OD, OD कितना दिया हुआ आपका x2 दिया हुआ है, यह आपका x2, ठीक है। तो यह एक्सप्रेशन हम लोग के सामने आया। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, और कॉमन लेके इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। अब जो है इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके हम लोग एक एक्सप्रेशन, दो तरह का इस एक्सप्रेशन इसमें निकालेंगे, एक तो मल्टीपल ऑफ एक्स, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के फर्स्ट फॉर्म में, और दूसरा जो है मल्टीपल ऑफ वाई वन वाई टू वाई थ्री के फॉर्म में। तो दोनों कंडीशन किसी किसी बुक में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के फॉर्म में दिया रहता है, और किसी किसी के बुक में वाई वन वाई टू वाई थ्री के फॉर्म में दिया रहता है। तो दोनों हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू, चलिए एक्सटेंड करते हैं वाई वन से मल्टीप्लाई दोनों का, यानी कि एक्स वन वाई वन माइनस आपका एक्स टू वाई टू, ठीक है। फिर वाई टू से यानी प्लस एक्स वन वाई टू
ठीक है, एक्स टू वाई एक्स वन, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा वाई वन से किए हैं, यहाँ पे एक्स टू वाई वन, ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा माइनस एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स थ्री वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन, फिर माइनस आपका एक्स वन वाई वन, ठीक है, फिर वाई थ्री से करते हैं तो प्लस एक्स थ्री वाई थ्री, माइनस आपका हो जाएगा माइनस एक्स वन वाई थ्री, माइनस एक्स वन वाई थ्री, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यह क्या हो जाएगा कि माइनस एक्स थ्री वाई टू, माइनस एक्स थ्री वाई टू हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स टू वाई टू, एक्स टू वाई टू, उसके बाद फिर हम लोग वाई थ्री के लिए करेंगे तो माइनस एक्स थ्री वाई थ्री, माइनस एक्स थ्री वाई थ्री, यह हो गया, फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो गया आपका एक्स टू वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री, यह चीज आपका आ गया। अब इसमें देखिए कुछ कटेगा, जो कटने वाला कटा दीजिए, एक्स वन वाई वन, और यहाँ पे देखिए एक्स वन वाई वन प्लस माइनस था वह कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए एक्स टू वाई टू, यह माइनस का और यह आपका प्लस का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यह आपका एक्स थ्री वाई थ्री और यह एक्स थ्री वाई थ्री आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हम लोग के पास जो एक्सप्रेशन आया, क्या एक्सप्रेशन आया, यह आपका आया माइनस एक्स टू वाई वन प्लस एक्स वन वाई टू, ठीक है, उसके बाद प्लस एक्स थ्री वाई वन, फिर प्लस आपका प्लस नहीं माइनस आपका एक्स वन वाई थ्री, माइनस आपका एक्स थ्री वाई टू, फिर प्लस आपका एक्स टू वाई थ्री, तो यह एक्सप्रेशन आया। और यह क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम लोग एक्सप्रेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अभी पहले हम लोग एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के मल्टीपल के फॉर्म में देखेंगे, यानी कि हाफ इंटू, यहाँ पे देखिए x1, यहाँ पे x1 है और x1 कहाँ पे, यहाँ पे है, इस दोनों में x1 कॉमन लिए तो यह आपका y2 माइनस y3 आ गया, एक चीज। दूसरा आपका x2, x2 यहाँ पे है इसमें और x2 आपका यहाँ पे है, इस दोनों में x2 कॉमन ले लेते हैं, यह आपका हो गया y3 माइनस y1, ठीक है। उसके बाद हम लोग x3 कॉमन लेते हैं तो x3 लेते हैं तो यहाँ पे आपका y1 हो गया, और देखिए x3 कहाँ पे है, x3 यहाँ पे है, यह आपका y2 हो गया। तो इस तरह से यह आपका एरिया निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो गया, यह आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हो गया वह क्या हो गया आपका हाफ इंटू, हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, यह जो हो गया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के मल्टीपल के फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में। अब दूसरा फॉर्म हम लोग चेकआउट करेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट, अगेन फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से फिर से लेते हैं, फर्स्ट से लेते हैं तो फर्स्ट का क्या आपको आपका था, यह आपका था कि एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी जो है था हाफ इंटू या माइनस एक्स टू वाई वन प्लस एक्स वन वाई टू प्लस आपका एक्स थ्री वाई वन माइनस आपका एक्स वन वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई टू प्लस एक्स टू वाई थ्री, यही एक्सप्रेशन था। अब हम लोग कॉमन लेते हैं y1 कॉमन लेते हैं, चलिए y1 कॉमन लेते हैं, y1 इसमें है और देखिए y1 यहाँ पे है, तो y1 कॉमन लिए तो क्या आया आपका x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 या y1 के लिए। अब हम लोग y2 कॉमन लेते हैं, y2 कॉमन लिए तो यहाँ पे y2 है और यहाँ पे y2 है, यानी कि x1 माइनस आपका हो गया x3, x1 माइनस आपका क्या हो गया x3 हो गया। अब फिर से हम लोग y3 कॉमन लेते हैं, y3 कॉमन लेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा x2 माइनस x1, यह किसके टर्म में आ गया तो आपका y1 y2 y3 के टर्म में आ गया। थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंजिंग करते हैं, क्या चेंजिंग करते हैं तो सारे में माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी माइनस माइनस माइनस, यानी होल माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस हाफ इंटू या वाई वन इंटू एक्स टू माइनस एक्स थ्री प्लस वाई टू इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स वन प्लस आपका यह क्या हो जाएगा वाई थ्री इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू, इस तरह से यह आपका एक्सप्रेशन आया। यह आपका क्या था, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी, तो दोनों एक्सप्रेशन कोई भी एक्सप्रेशन बनाओ चाहे यह हो या वह, दोनों क्या है सेम सेम है, दोनों का आंसर जो आएगा सेम आएगा, चाहे इस पे हम लोग तोड़े या इस पे तोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कंप्लीट हो गया।